कभी तो मेरी सुन लिया करो, देन कभी तो समझने की कोशिश किया करो, या कभी तो काल कर लिया करो, देन कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो। तो गाइज ऐसे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं या बोलते हैं, आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा रूल है, सबसे पहले हम डू ईवर लिखते हैं जिसका मतलब है कभी तो, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, देन उसके बाद आप जो लिखते हैं, लास्ट में हम अदर वर्ड लिखते हैं जो भी होंगे। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू यूर लिसन टू मी। एग्जांपल है, कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो, डू यूर थिंक अबाउट मी। एग्जांपल है, कभी तो समझने की कोशिश किया करो, डू यूर ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जांपल है, कभी तो मेरे घर आया करो, टू एवर कम टू माई हाउस। एग्जाम्पल है, कभी तो टाइम से आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। आपके लिए प्रैक्टिस का सेंटेंस है, कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लिया करो। इसको ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।